साउथ इंडस्ट्री का एक ऐसा डायरेक्टर जिसे पढ़ाई से ज्यादा फिल्मों को देखना पसंद था और फिल्मों का भूत इस कदर चढ़ा कि कॉलेज के दिनों में एक शॉर्ट फिल्म ही बना डाली जिसके लिए अलग अलग कंपटीशन से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ के डायरेक्टर अरुण कुमार मतलब कि एटली कुमार। ये नाम जवान मूवी के बाद कितना फेमस हो चुका है ये बताने की जरूरत नहीं। और आज एटली जिस लेवल पर है उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल और यहाँ तक कई फैंस के ताने तक खाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी रही इनके जीवन की और जवान के बाद एटली कुमार कौन सी वो दो बड़ी फिल्में ला रहे हैं जो जवान से भी बड़ी होने वाली हैं। देखो, मदुरै के तमिल परिवार में अरुण कुमार का जन्म 21 सितंबर 1986 में हुआ था और प्यार से घर वाले उन्हें एटली बुलाते थे और उस वक्त किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि जिसे वो प्यार से एटली बुलाते हैं उसे आगे चलकर पूरा देश इसी नाम से पहचानेगा। एटली कुमार को बचपन से ही पढ़ाई से इतना डर लगता था जितना कि किसी लड़की को चूहा से। एटली को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, बस शौक था तो सिनेमा का। रजनीकांत से लेकर कमल हसन तक की फिल्में लाइन से सिनेमा घरों में देखी और सोच लिया कि बनना है तो डायरेक्टर ही। आगे चलकर उनकी फैमिली चेन्नई में शिफ्ट हो गई और वहीं एटली ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं से उन्हें सिनेमा का भूत सवार हो गया, जिसके बाद चेन्नई कॉलेज में पढ़ रहे सभी साथियों को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बना डाली जिसका नाम था एन मेल बिजुंदा मजाई थुली, यानी बारिश की वो बूंद जो मुझ पर आ गिरी। कॉलेज के लेवल पर बनाई गई ये फिल्म उनका नाम कॉलेज के बाहर तक ले गई और इस शॉर्ट फिल्म को अलग अलग कंपटीशन में सम्मानित किया गया और इसी फिल्म की बदौलत से वो पहुंचे एस शंकर के सेट पर, जिसके बाद एटली ने एस शंकर के असिस्टेंट के रूप में काम किया और उनके ताने तक खाए लेकिन अपने काम में डटे रहे। 19 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करने वाले एटली कुमार ने बाद में कई फिल्में डायरेक्ट की जैसे थैरी मैरसल और बिगिल, जिसके बाद उन्होंने 2023 में फिल्म जवान का निर्देशन किया जो उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में उभरी और अब वो अपने बैनर पर कुछ फिल्में बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर विजय सेतुपति के साथ एटली कुमार की अगली फिल्म की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसके बाद एटली वरुण धवन के साथ बेबी जॉन नामक एक हिंदी फिल्म का निर्माण भी कर रहे हैं और फिल्म का निर्देशन एक आली स्वीरन ने किया है। एटली इस फिल्म को जियो स्टूडियो और सिने स्टूडियो के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया था, जिसे देख फैंस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है।